तो अभी हम सीख रहे हैं मंथली और इनकम एक्सपेंस शीट को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। मंथली इनकम और एक्सपेंस शीट हम अपने घर की भी बना सकते हैं और अपने बिजनेस की तो लाजमी ही बनाते हैं। मतलब आप किसी के पास भी जब अकाउंटेंट का काम करेंगे तो हर महीने की आपको एक मंथली और इनकम एक्सपेंस शीट बनानी पड़ती है। मंथली और इनकम एक्सपेंस शीट में आप सिर्फ अपने महीने की जो इनकम हो रही है कारोबार के हवाले से वो लिखते हैं, और एक्सपेंस में जो खर्चे हो रहे हैं वो लिख रहे होते हैं, और आखिर में उनका टोटल करते हैं जिससे आपको पता चले कि इसमें मुझे फायदा हुआ है या मुझे इसमें नुकसान हुआ है। अब ये बनती कैसे है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया मंथली इनकम और एक्सपेंस शीट, ऊपर किसी यहाँ पे एक रो ऐड करा लेते हैं। जिस जिस भी कारोबार का बना रहे हैं हम यहाँ लिख लेते हैं कंपनी या फिर बिजनेस नेम आप यहाँ पे लिखेंगे उसका कि किस कारोबार के लिए आप बना रहे हैं। इसको लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, फिर किस महीने की बना रहे हैं तो वो मंथ भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि कौन से महीने की बना रहे हैं। सपोज हम बना रहे हैं इस जनवरी के महीने की, तो 2024, ये मतलब ये पूरे महीने के खर्चे लिखते रहते हैं इसके अंदर, और आखिर में इसको क्लोज कर देते हैं तो ये मंथली बन जाती है। आसमान पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक जो खर्चा हुआ उसको हम इसमें लिखते रहेंगे, और जो इनकम हुई वो भी लिखते रहेंगे। तो उसके बाद जो बाद में हमारे पास आंसर आएगा उससे पता पड़ेगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा थोड़ा सा जाके सीरियल नंबर ले लिया, और उसके आगे हमने ले ली डेट, ठीक है, और डेट के आगे हमने लिखा डिस्क्रिप्शन। तो ये भी थोड़ी इससे मिलती जुलती है लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें यूनिक मिलेगा। और यहाँ पे आपने लिख दिया अमाउंट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपने यहाँ पे स्पेस लिया, और यहाँ पे एक चीज की मैं कॉलम ऐड कराना भूल गया, डिस्क्रिप्शन लिया तो अच्छा ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिया है ना, हाँ सही है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख लिया, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप दोबारा से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपने लिखा सीरियल नंबर, और यहाँ पर आपने लिखी डेट, और यहाँ पर आपने लिखा एक्सपेंस नेम, और यहाँ पे आपने लिखा अमाउंट। तो ये आपने इस तरह से ऐड करा लिया। अब दोनों शीट्स को आपने इस तरह से ले लिया और ये आपको इस तरह से नजर आ रही है। अब उसके बाद आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और सेलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर दिया सेल स्टाइल्स में जाके इनको टाइटल में, एंड देन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह जो आपने इसको करना है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और ये आ गया आपका मंथली इनकम और एक्सपेंस शीट आ गई, तो ये आ गई आपके सामने एंट्री आ गई, और यहाँ से हमने क्लिक करके इसको बोल्ड कर दिया, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मंथ के लिए इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया मंथ, ठीक है। उसको मोर ऑप्शन में जाके यहाँ पे क्लिक किया ब्राउज में, और मैं इसको जाके एक फोल्डर में सेव कर रहा हूँ अपने जो मैंने बना रखा है। तो एक्सेल फाइल के फोल्डर में गया और मैंने इसका नाम रख लिया मंथली इनकम एक्सपेंस शीट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ गया। आप सिलेक्ट करेंगे हम इसको सीरियल नंबर वाला सेक्शन, थोड़ा सा हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अनमर्ज कर लेते हैं और इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लेते हैं एक एंट्री को आगे की तरफ। और यहाँ पे इसको चूंकि हमें करना है कम सीरियल नंबर वाले कॉलम को, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे मर्ज, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके करेंगे मर्ज, और इसको भी यहाँ से स्लॉट थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ, यहाँ पे क्लिक करके हम सेल स्टाइल्स में जाएंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे सेल स्टाइल में, और हेडिंग वन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको एक्सपेंस नेम को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, और अमाउंट को भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, डेट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, सीरियल नंबर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया फॉन्ट इसका, तो इसको कम कर लेते हैं 14 पे कर लेते हैं ताकि इसी के अंदर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है, ये देखिए। तो इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ से ऑल बॉर्डर करने से पहले इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया ऑल बॉर्डर, इसको भी कर दिया हमने यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर, और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके हमने कह दिया ऑल बॉर्डर, और इसको भी क्लिक करके हमने कह दिया थिक बॉक्स बॉर्डर। तो ये इस तरह से हमारा सेट हो गया मामला। इसका डेट वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अगर अभी भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो उसको हम कम करके 13 पर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और एडजस्टेबल हो जाए, ताकि इसके अंदर फिक्स रहे और सही तरीके से हमारे मामला को सेट रखे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एक्सपेंस और इनके मामला, ठीक है। तो ये इस तरह से एक हमारी शीट का फॉर्मेट क्रिएट कर दिया। अब नीचे वाले हिस्सों में यही है कि इस वाले हिस्से को आप अलग से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करके, ठीक, पहले हम इसको सीरियल नंबर जनरेट करा लेंगे भाई हमारे कितने पार्टिकुलर से जहाँ से हमें इनकम हो सकती है। तो 1, 2, 3 हमने यहाँ पे लिखा, बल्कि यहाँ पे इनकम के लिए हमने अपने जराए सेट कर दिए, सपोज टू बी कि हमारे पास 10 जराए ऐसे हैं जहाँ से हमें इनकम जनरेट हो सकती है। और एक्सपेंस के लिए भी हमने तकरीबन जो है यहाँ पे क्लिक करके 10 सीरियल नंबर प्रोड्यूस कर दिया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, और यहाँ पे जाके हमने 1 लिख के क्लिक किया यहाँ पे, और फिल्म में चले गए, और यहाँ से सीरीज पे क्लिक कर दिया, यहाँ से फिर हमने क्लिक कर दिया कॉलम पर, और 10 इस पर ही हमने ऐड करा दिया, और यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर्स को ऐड करेंगे, ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं, सेटस टू भी ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं, ये हमारा यहाँ पे
ये वाला मामला यहाँ पर हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस नेम और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पे इनकम नेम और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। डेट को थोड़ा शॉर्ट करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी डेट इसमें नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे अब लिख रहे हैं कि हमें इनकम किस किस जराए से और कितनी कितनी हुई। सपोज टू हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ डेट के सेक्शन लिखे हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि बिजनेस की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर क्या बिजनेस है उसमें क्या आपकी इनकम हो रही है। जैसे इनकम अगर हम पहले कोई आइडिया करते हैं कि कोई बिजनेस है, से सपोज एक शॉप है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर की शॉप है, उस कंप्यूटर की शॉप में हमारे पास क्या क्या आइटम है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें सेल हुई और उसमें हमें क्या क्या इनकम हुई। मिसाल के तौर पे हमारे कंप्यूटर्स जो सेल हुए वो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई मुख्तलिफ कंप्यूटर सेल हुए और वो हमने हिसाब किया कि भाई ये सपोज टू बी 31/1/2024 तक जो हमारे CPU सेल हुए वो थे 15,000 रुपये के सेल हो गए हमारे, और 31/1 तक जो हमारी LCDs थी वो सेल हो गई सपोज टू बी 25,000 रुपये की सेल हुई। 31/1 तक जो हमारे कीबोर्ड थे वो हमारे जो थे सपोज टू बी 10,000 रुपये के सेल हो गए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हर आइटम को अलग अलग, और आप ये भी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई सपोज टू बी टोटल आइटम सोल्ड, क्या लिख दिया आपने यहाँ पे आइटम सोल्ड। भाई ये मैंने अलग अलग लिखा, आप सारे आइटम को एक साथ लिख दें, भाई सारे आइटम मेरे 75,000 रुपये के बिक गए, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा अगर मैंने किसी को जगह किराए पे दी हुई थी तो उसका भी रेंट मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा भाई मेरे पास रेंट आ गया, रेंट तो रेंट रिसीव्ड, तो भाई हमारी रेंट रेंटल इनकम लिखेंगे उसको। रेंटल इनकम अगर हमने दिया दिया हुआ है किसी से, किराया मिलता है, किसी को जगह दी हुई है, तो हमें वहाँ से 15,000 रुपये की रेंटल इनकम हो गई। ये हम अपनी इनकम शीट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर अगर सपोज टू बी मैं इस एक तो दुकान पे हम सेल कर रहे हैं, दूसरी हमने कई सर्विसेज भी देते हैं, तो भाई सर्विसेज मतलब सपोज सर्विसेज हम किसी को कंप्यूटर्स बना के देते हैं, रिपेयर करके देते हैं, घर पे कोई सेटअप लगा के देते हैं, तो सर्विसेज कीमत में हमें 25,000 रुपये की इनकम हुई। ये हमारी टोटल इनकम हो गई। अब टोटल इनकम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम, तो यहाँ पे अपना टोटल इनकम किया और यहाँ पे हम उसका टोटल ले लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टोटल एक्सपेंस, तो यहाँ पे उसका टोटल करेंगे, और यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं सपोज टू बी डेट। तो अब हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अब महीने के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, कुछ तो एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं जो हर महीने होने, जैसे कौन से एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये आपका हर महीने का एक्सपेंस है, गैस, टेलीफोन, अच्छा डेट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से कट करके यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, अंडू कर देता हूँ उसको, ठीक है, गैस। और यहाँ पर हमने टेलीफोन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने इंटरनेट का एक्सपेंस ले लिया। अब इनके लिए देखिए हमारे पास जो डेट है वो सही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब पेड किया था, सपोज टू भी हमने 25/1/2024 को पेड किया था। गैस का बिल इसके बाद आया था, 28/1 को हमने वो पे किया था, ठीक है। टेलीफोन का बिल इससे पहले आ गया था, तो 23/1 को हमने उसको पे कर दिया था। इंटरनेट का बिल लास्ट में आया, 31/1/2024 को हमने उसको पे कर दिया। तो इस तरह के एक्सपेंसेस आप लिख रहे होते हैं। फिर आपने स्टाफ रख रखा है, उसको सैलरीज दी आपने, तो आपने सैलरीज कब दी हुई, मिसाल के तौर पे 31 तारीख को ही हमने सैलरीज दी, तो हमने यहाँ पे कंट्रोल डी किया, ऊपर वाली एंट्री ली, तो यहाँ पे सैलरीज पे करी हमने। फिर ये हमारे वो एक्सपेंसेस है जो हर महीने हो रहे होते हैं। अच्छा उसके अलावा हमने और क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, फिर एक्सपेंसेस हो गए ये वाले, हो गए गैस, हो गए। अब हमारी अगर शॉप खुद की जाती है तो उसका कोई रेंट नहीं है, वरना अगर शॉप भी आपकी रेंट की है तो उसका भी आपको लिखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मेरी जो शॉप है उस पर मुझे रेंट देना पड़ता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शॉप रेंट कि भाई इसका रेंट कितना है, ठीक है। और क्या आपके एक्सपेंस हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, और दूसरे एक्सपेंस जो छोटे मोटे होते हैं तो उनको हम डाल देते हैं मिसिलीनियस एक्सपेंस के अंदर। कौन से एक्सपेंस के अंदर, मिसिलीनियस एक्सपेंस, ये मतलब किसी को चाय पिला दी, को ये कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो मिसिलीनियस एक्सपेंस में जैसे छोटे मोटे खर्चे जो होते रहते हैं, तो मिसिलीनियस की स्पेलिंग क्या होगी, तो इसको चेक कर लेते हैं एकदम, मिसिलीनियस की स्पेलिंग को व्यू में जाके हमने रिव्यू में जाके हमने स्पेलिंग पे क्लिक किया, यहाँ से इसको चेंज कर दिया, तो ये इसकी मिसिलीनियस एक्सपेंस की एंट्री हो गई, यस कर दिया, और यहाँ पर हमने मंथली को भी चेंज कर दिया। इस तरह से आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि ये जो खर्चे हैं हमने लिखे हैं ये तो हर महीने होने ही है, ठीक है। अब आपने सारे खर्चे निकालने हैं, भाई लाइट का बिल कितना आया, 2,500 रुपये का लाइट का बिल आ गया, 500 रुपये गैस का बिल आ गया, 1,500 रुपये इसका आ गया, 1,000 रुपये इंटरनेट का बिल आ गया। सैलरीज आपने जो एम्प्लॉयज रखे हुए उनको 15,000 रुपये की सैलरीज भी दे दी। शॉप का जो रेंट है आपका, तो शॉप रेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, भाई 15,000 रुपये शॉप का रेंट भी निकाल दिया आपने। मिसलिनियस खर्चों में आपके हो गए सपोज टू बी 3,000 रुपये यहाँ पे खर्चा हो गया आपका, और भी जो खर्चे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल यहाँ लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर हम इस शीट के इस साइड पर आ जाते हैं,
आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये थोड़ा डिस्टेंस रहेगा इसके अंदर, ये वाला साइड रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इनकम, और यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम, और यहाँ लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर हम इन सबको सम करेंगे फॉर्मूला, यहाँ पे इसका टोटल लेंगे, यहाँ पे इसका टोटल लेंगे, फिर इनके टोटल्स को यहाँ लेंगे, और फिर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी इनकम हुई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 रुपये की इनकम थी हमारी, 2, 3, 4, 5, और उसमें से खर्चे हो गए हमारे सपोज अभी 25,000 रुपये के, तो हमारे पास कितने बचे बाकी, 25,000 रुपये, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे, मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गए, तो फिर आपके क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू चली जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने कारोबार की हर महीने की इनकम एक्सपेंस शीट जो है डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन करने के बाद अपने हर महीने के खर्चे रखते हैं। अच्छा, अब ये जैसे जनवरी की थी, तो हमने आज शीट पे क्लिक किया और यहाँ लिख दिया जनवरी। अब आपको अगले महीने की शीट बनानी है, आपका अगले महीने के खर्चे भी वही रहने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी पर राइट बटन दबाएंगे और क्या करेंगे, मूव और कॉपी, और इस जनवरी वाली शीट की क्या बना देंगे, कॉपी, और यहाँ पे आप अगले महीने की एंट्री करेंगे आप फरवरी की। सिर्फ इसमें क्या करेंगे, बस ये आपके खर्चे यहाँ पे और यहाँ पर जो है चेंज हो जाएंगे, और वो एंट्री आप दोबारा करेंगे, ये खुद ही टोटल करके आपको बता देगा इस महीने का आपका क्या हुआ। यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1/2/2024, तो ये आपका फरवरी का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। फिर आपने इसकी बनानी है मार्च की, तो मूवर कॉपी, इस शीट पे क्लिक किया, क्रिएट कॉपी, ओके कर देंगे, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मार्च। तो इस तरह आपकी हर महीने की मंथली इनकम एक्सपेंस शीट जो है वो आप बनाते रहेंगे, और इस तरह 12 महीने का हो जाएगा, तो पूरा बुक आपका लेजर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि हर महीने मेरा कितना इनकम और कितना एक्सपेंस हुआ है। समझ में आ गई बात ये?